अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। दिवाली के लिए हम तरह तरह के लड्डू बनाते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे लड्डुओं की रेसिपी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उनको देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खास त्रिवेणी लड्डू। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है ये, तीन दालों से बना ये लड्डू। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं बूरा चीनी बना लूँगी। तो यहाँ पर बूरा चीनी बनाने के लिए 200 ml के बराबर पानी ले लिया है कढ़ाई में और डाल दिया है 500 ग्राम चीनी। और यहाँ पर अब इसे पकाना है जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। और इसी तरह इसे लो से मीडियम हीट पर लगातार चलाते हुए पकाना है। चाशनी का रंग सफ़ेद न पड़ने लगे तो इससे हमें पता चलेगा कि चाशनी जो है जमने की कंसिस्टेंसी में आ गई है। आप चाहें तो चीनी की चाशनी को अंगूठे और उंगली के बीच में लेकर भी आप तार चेक कर सकते हैं। दो तार की चाशनी बनने लगे तब तक यहाँ पर चीनी की चाशनी को पकाना है। फिर उसमें डाल दूंगी मैं 1 टेबल स्पून देसी घी और अच्छी तरीके से मिक्स करके फेंटते हुए इसे पकाना है। यहाँ पर किनारों पर भी आप देख सकते हैं कि चीनी की चाशनी जो है जमने लगी है। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून देसी घी। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें, फेंट लें। चीनी की चाशनी में आप देख सकते हैं चीनी की चाशनी का जो रंग है वो थोड़ा सफ़ेद पड़ने लगा है। तो अब यहाँ पर इसे करीब 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। आप इसके बुलबुले भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बनने लगे हैं, यानी कि चीनी की चाशनी जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होने लगी है अब। तो इसे इसी तरह से फेंटते हुए पकाना है। चीनी की चाशनी यहाँ पक गई है तो अब आँच को बंद कर दूंगी और इसे फेंटते हुए ही ठंडा करना है, क्योंकि बूरा चीनी है एकदम दानेदार बनेगी। अगर आप इसे इसी तरह से छोड़ देंगे तो चीनी की चाशनी जो है हार्ड हो जाएगी और फिर एकदम इसके बड़ी बड़ी गुठलियाँ बनेंगी। तो हमें बूरा चीनी के लिए इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। तो आप पूरा प्रोसेस यहाँ देख सकते हैं, मैं पूरा प्रोसेस आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। लगातार चलाते हुए मैं इसे ठंडा करूँगी और आप ट्रांजिशन देख रहे हैं किस तरह से ये ठंडी हो रही है और यहाँ पर ये देखिए सफ़ेद हो गई है। और एक समय के बाद ये एकदम भुरभुरी दानेदार और खिली खिली बनेगी। ये देखिए यहाँ पर आखिर में जो छोटे छोटे लम्ब्स हैं, अभी हल्का गर्म ही है तभी इसे फोड़ लेना है। आप चाहें तो इसे स्ट्रेनर से छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर त्रिवेणी लड्डू बनाने के लिए मैंने तीन तरह की दाल ली है, मूंग दाल, चना दाल और उड़द दाल। तीनों दाल मिलाकर करीब 500 ग्राम है। तीनों दाल मैंने बराबर मात्रा में ली है। यहाँ पर एक कटोरी का माप मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप कोई भी एक कटोरी का मेजरमेंट फिक्स कर लें, उसके हिसाब से आपको चीज़ें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर दालों को मैंने धो लिया है और अब एक कटोरी दूध डालकर इनको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। तो यहाँ पर आप चाहें तो दालों को दूध में भिगो कर फ्रिज में रख सकते हैं ताकि दूध जो है वो फटे नहीं। दूसरी तरफ आधा छोटा चम्मच केसर के धागों को लिया है और गुनगुने दूध में उसे भिगो कर रख दूंगी। तो साथ ही साथ ये भी अच्छे से इसका फ्लेवर और रंग आ जाएगा दूध में। यहाँ पर ये देखिए दूध में दाल जो है अच्छी तरीके से भीग चुके हैं, फूल चुके हैं। तो अब इनको ब्लेंडर में मैं ट्रांसफ़र करके इनका स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। पीसते समय आप चाहें तो ज़रा सा पानी या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी या दूध का इस्तेमाल न करें क्योंकि इन्हें हमें भूनना है। तो जितना ज़्यादा आप इसमें पानी डालेंगे तो उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा इनको भूनने में। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा पीसने के बाद मैंने ज़रा सा पानी डाला, इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब एक बोल में मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसी तरीके से चना दाल भी मैं पीस लूँगी और बिल्कुल उसी तरीके से मूंग दाल पीस लेना है। तो उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर चना दाल पीस लिया और आखिर में मैं यहाँ पर उड़द दाल पीस रही हूँ। तो चलिए अब इन दालों को भूनना शुरू करना है। तो यहाँ पर मैंने उसी कटोरी के माप से करीब करीब 1.5 कप देसी घी यूज़ किया है। तो आधा कप देसी घी यहाँ एक दाल को भूनने में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर उड़द का दाल डाल दूँगी। शुरुआत में ये पक कर एकदम आटे की तरह इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो इसे उसके बाद लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है एकदम अलग अलग होने लगा है, दाने दाने अलग अलग होने लगे हैं। तो इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये एकदम दानेदार, क्रिस्पी और सुनहरे रंग का ना हो जाए। लगातार चलाते हुए भूने जिससे कि ये एकदम समान रूप से भुनेगा, नहीं तो फिर इनके जो लम्ब्स हैं
कुछ में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रह जाएगा, कुछ क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इस तरह से लड्डू अच्छे से बन नहीं पाएंगे और फिर मॉइस्चर रहने के कारण लड्डू जो है ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। यहाँ पर ये देखिए आटे की तरह इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसके दाने दाने अलग होने लगे हैं, पहले बड़े बड़े लम्स दिखेंगे फिर लम्स छोटे होते जाएंगे और इसी से पता चलेगा कि ये जो दाल हैं अच्छे से भून रहे हैं और इनका रंग भी एक ही साथ आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे रंग बदल रहा है, सुनहरे हो रहे हैं। तो इनको इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है। घबरा कर आप देसी घी ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर न डालें, नहीं तो फिर देसी घी ज़्यादा हो जाने से फिर लड्डू का जो शेप है वो ठीक से पकड़ेगा नहीं, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी मिक्सचर का हो जाएगा तो लड्डू बांधने में मुश्किल होगी। तो यहाँ पर ये देखिए भूनकर दाल तैयार हो गया है, उड़द दाल यहाँ पर भुना जा चुका है। तो अब इसे मैं एक कढ़ाही में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं इसी तरीके से चना दाल भून लूँगी। तो चना दाल भूनने के लिए यहाँ पर कढ़ाही में मैं डाल दूँगी देसी घी और फिर चना दाल पिसा हुआ जो रखकर तैयार किया है उसे डालकर बिल्कुल उसी तरीके से लो से मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। ये भी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सुनहरे हो गए हैं और फिर इनको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी और बिल्कुल सेम प्रोसेस से मूंग दाल को भी देसी घी में भूनकर तैयार कर लेना है। हर एक बैच को भूनने में करीब 20 से 25 मिनट का वक्त लग सकता है। आप दूसरे प्रोसेस से भी इन दालों को तैयार कर सकते हैं। आप दालों को धोकर अच्छी तरीके से करीब एक घंटे के लिए पंखे के नीचे अच्छी तरीके से सुखा लें, फिर हल्का सा भून कर करीब 5 मिनट के लिए लो आंच पर आप इसे भून लें जिससे कि सारा मॉइस्चर निकल जाए। फिर ब्लेंडर में पीस कर आप चलनी से छान लें जिससे कि एकदम फाइन पाउडर इसका निकल जाएगा और फिर उसे आप देसी घी में इन दालों को भून सकते हैं। जिस तरह से बेसन के लड्डू के लिए बेसन को हम देसी घी में भूनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से और फिर लड्डू आप बना सकते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस भी थोड़ा सा आसान है, आप दालों को भिगो कर पीस लें और फिर यहाँ पर छानने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको सीधे देसी घी में भून कर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मूंग दाल भी भून कर तैयार हो गया है, इसे भी मैं इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इन दालों को पूरी तरह ठंडा हो जाने दें तभी आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो इन दालों का जो मिक्सचर है पूरी तरह ठंडा हो गया है, डाल दिया है 1 टेबल स्पून इलायची का पाउडर और 1 कटोरी मैंने इंस्टेंट मावा यहाँ यूज़ किया है। आप चाहें तो घर के दूध से बना हुआ मावा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मावा को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, मैंने वही कटोरी यूज़ की है जिस कटोरी से मैंने दालों को लिया है। फिर यहाँ पर मैं ले लूँगी बूरा चीनी, तो यहाँ पर बूरा चीनी मैंने उसी कटोरी से करीब 4 कटोरी के बराबर ली हुई है। यहाँ पर आप चाहें तो चीनी की चाशनी करीब 1.5 तार तक पकाकर उसमें दालों के इस मिक्सचर को डालकर फिर आप उससे भी लड्डू बना सकते हैं जिस तरह से सूजी के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन इससे लड्डू ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। एक तो हम वैसे ही इसमें मावा डाल रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर मैंने बूरा चीनी का यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/2 कप के बराबर बारीक कटा हुआ काजू और बादाम और 1/3 कप के बराबर किशमिश, इनको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं इस बात का ध्यान रखें और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि लड्डू जो हैं वो बनने लगे हैं। अगर आपको लगे कि बाइंडिंग ज़रा सी कम है तो आप यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी डाल सकते हैं। तो इसीलिए आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा देसी घी का यूज़ न करें, लगातार चलाते हुए थोड़े देसी घी में दालों को भूनें और फिर यहाँ पर आप चाहें तो देसी घी ज़रूरत पड़ने पर ज़रा सा डाल सकते हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि लड्डू जो हैं बनने लगे हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इस तरह से हाथों में ले लेना है और इस तरह से इसे बांधकर लड्डू का शेप दे दें। यहाँ पर ये देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी तो है ही। 3-3 अलग अलग तरह के दालों को यूज़ किया है मैंने, तो इस बार इस लड्डू को आप ज़रूर ट्राई करें दिवाली में, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। आप इस दिवाली टेस्टी और हेल्दी त्रिवेणी लड्डू ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।